अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, अगर आपके बाइक का कार्बोरेटर क्लीन है और उसकी सेटिंग भी ठीक है, आपने उसकी सेटिंग को भी नहीं छेड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपका बाइक अब आइडलिंग पे होल्ड नहीं करता, यानी जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो जब तक आप एक्सेलेटर देते हैं उसको ज़्यादा, तो बाइक का स्टार्ट रहता है, ऑन रहता है, लेकिन जो ही आप एक्सेलेटर छोड़ देते हैं तो बाइक आइडलिंग पे होल्ड नहीं करता और बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है और इसका हल क्या होगा, तो इसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा। बड़ा सिंपल सलूशन है इसका। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मेरा बाइक भी अभी आइडलिंग पे होल्ड नहीं कर रहा, जो ही मैं इसको स्टार्ट करता हूं जब तक एक्सेलेटर देता हूं तो स्टार्ट रहता है, जो ही मैं एक्सेलेटर छोड़ता हूं तो ये बंद हो जाता है। और अब तो इसका मसला यहाँ तक हो गया था कि चलते चलते बाइक भी ये अचानक से बंद हो जाता था। अब इस मसले के हल के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कार्बोरेटर से इसकी आइडलिंग स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे ये होता है कि थोड़ा बहुत ही होल्ड करने लग जाता है, लेकिन वो उसका प्रॉपर सलूशन नहीं है, फिर भी कभी कभी बंद हो जाता है और इससे आपका बाइक पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगा। अब मैं आपको इसका प्रॉपर सलूशन बताता हूँ। अब इस मसले की दो वजूहत होती हैं। पहली वजह तो ये कि आप चेक कर लें कि आपका बाइक का एयर फिल्टर साफ़ है, क्लीन है। अगर वो काफ़ी पुराना हो गया है और गंदा हो गया है तो एयर फिल्टर एक खास लिमिट के बाद काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उसमें से फिर इतनी एयर नहीं जा पाती कि वो अच्छा मिक्सचर बना सके कार्बोरेटर में और आगे इंजन में, तो कंबस्शन सही से नहीं हो पाती, तो उसके लिए फिर ज़्यादा उसको एयर चाहिए होती है, ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होता है। तो अगर आपको एयर फिल्टर पहले चेक कर लें, मेरे बाइक का एयर फिल्टर गंदा था तो मैंने इसको रिप्लेस कर लिया, तो मैं एयर फिल्टर पहले रिप्लेस कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाइक का एयर फिल्टर गंदा था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी टाइम पूरा हो चुका था, तो उसको मैंने फिर रिप्लेस कर दिया नए के साथ। एयर फिल्टर रिप्लेस करने के बाद जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया तो उसके बावजूद ही आइडलिंग पे होल्ड नहीं कर रहा था। बहुत मामूली सा फर्क आया था लेकिन आइडलिंग पे फिर भी होल्ड नहीं कर रहा था। तो अब चलते हैं इसके दूसरे सोल्यूशन की तरफ। दूसरी और मेन वजह जो उसकी होती है वो है टैपेट वाल्व क्लीयरेंस का टाइट हो जाना। जी हाँ, चलने के साथ साथ ना सिर्फ टैपेट लूज़ होते हैं बल्कि बाज़ दफ़ा ओवर टाइट हो जाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने पिस्टन को टॉप डेड सेंटर पे रख लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं चेक करूँगा पहले एग्जॉस्ट वाल्व क्लीयरेंस। तो उसको जब मैंने चेक किया तो आप देख सकते हैं, जब उसको मैंने चेक किया तो उसकी 0.10 mm पे मैंने सेट किया हुआ उसको पहले, तो उस पर ये बिल्कुल बराबर था, उसमें कोई इशू नहीं था। इसके बाद जब मैंने इनलेट वाल्व क्लीयरेंस चेक की तो आप देख सकते हैं कि ये ओवर टाइट हो गया था। इसको 0.08 mm पे सेट होना चाहिए था जो कि मैंने किया हुआ था, लेकिन इसमें वो वाली पत्ती बैठ नहीं रही थी क्योंकि ये टाइट हो गया था। तो इसको मैं एडजस्ट करूँगा। टैपेट वाल्व क्लीयरेंस एडजस्ट करने के लिए अपने टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है, इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ टैपेट वाल्व एडजस्ट करने के लिए, और इसमें टूल्स जो रिक्वायर्ड हैं सारा कुछ मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको टैपेट एडजस्ट करना नहीं आता तो मेरी आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसको इसके ज़रिए से आप आसानी सीख जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इनलेट वाल्व क्लीयरेंस 0.08 mm पर एडजस्ट कर ली है, और इसको एडजस्ट करने के बाद अब चेक करते हैं कि आया बाइक अब आइडलिंग पे होल्ड करता है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइक आइडलिंग पे आसानी होल्ड कर रहा है और इसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल हो तो उसमें आइडलिंग का इशू आ रहा हो, आइडलिंग पे होल्ड ना करो, तो उसे कार्बोरेटर को कहीं भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये प्रोसीजर आप खुद घर पे कर सकते हैं और आपका बाइक का इशू हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपके लिए मालूमती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।